गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मु सोनाली स्वागत करछु मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आमे आज देखिबा स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड। मु प्रीवियस क्लास रे मोनोसैकेराइड तापर डाइसैकेराइड सैकेराइड विषय रे मु संपूर्ण भाव रे बुझै छी एवं कहि छी। तो आज देखिबा आमे पॉलीसैकेराइड। तो क्लास स्टार्ट करबा पूर्वर समस्त को अनुरोध अछि मो चैनल को सब्सक्राइब करो एवं वीडियो पसंद थिले लाइक करिवो। देख पॉलीसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड और देयर डेरिवेटिव्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दिस स्ट्रक्चर आर ओपन लिनियर बट मे कंटेन वेरियस डिग्री ऑफ ब्रांचिंग। पॉलीसैकेराइड्स आर ओपन क्वाइट हेट्रोजीनियस कंटेनिंग स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ द रिपीटिंग यूनिट। तब देखिए डेफिनेशन। पॉलीसैकेराइड्स आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दे आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ मोनोसैकेराइड द सुगर व्हिच आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। पॉलीसैकेराइड हैव ए जनरल फॉर्मूला ऑफ CXH2OY। तब देखो टाइप्स एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल होमो पॉलीसैकेराइड। दे आर सच पॉलीसैकेराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। दस ग्लूकेन्स आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोसेन्स आर पॉलीमर्स ऑफ फ्रुक्टोज। व्हेन ऑल द मोनोसैकेराइड्स इन ए पॉलीसैकेराइड आर द सेम टाइप द पॉलीसैकेराइड इज कॉल्ड ए होमो पॉलीसैकेराइड और होमोग्लाइकेन। देखो सम इम्पोर्टेंट होमोसैकेराइड्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च। स्टार्च इज द कार्बोहाइड्रेट्स रिजल्ट ऑफ प्लांट व्हिच इज द इम्पोर्टेंट डायटरी सोर्स एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल ट्यूबर्स वेजिटेबल। स्टार्च इज होमोपोलीमर कंपोस्ट ऑफ यूनिट हेल्ड बाय अल्फा ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। कंपोजिशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट वाटर सोल्युबल एमाइलोज जोटा 15-20% एंड वाटर इनसोल्युबल एमाइलोपेप्टिन 80-85%। स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च व्हेन हाइड्रोलाइज्ड यील्ड अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज शोन बाय हावर्थ। इन स्टार्च मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज यूनिट आर लिंक्ड विथ ईच अदर थ्रू ऑक्सीजन एटम एट कार्बन एटम नंबर 4 आज इन केस ऑफ माल्टोज 23 ग्लूकोज यूनिट लिंक टू फॉर्म स्टार्च मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज द स्टार्च मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। देन डेक्सट्रिन। दे आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च बाय द एंजाइम हाइड्रोलिसिस। स्टार्च इज सिक्वेंशियली हाइड्रोलिस थ्रू डिफरेंट डेक्सट्रिन एंड फाइनली टू माल्टोज एंड ग्लूकोज। द वेरियस इंटरमीडिएट आर सोल्यूबल स्टार्च अमाइलोपेप्टाइन एरिथ्रोडेक्सट्रिन। स्ट्रक्चर ऑफ डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन इज ए पॉलीसैकेराइड सिमिलर टू एमाइलोपेप्टिन बट द मेन चेन आर फॉर्म बाय अल्फा 1-6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड द साइड ब्रांचेस आर अटैच बाय 1-alpha-1-4 लिंकेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेक्सट्रिन। देन व्हाट इज द यूजेस ऑफ डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन इज एन ओरल बैक्टीरियल प्रोडक्ट दैट अडहेर्स टू द टीथ क्रिएटिंग एंड फिल्म कॉल्ड प्लेटिव। इट इज ऑल्सो यूज कमर्शियली इन कन्फेक्शनरीज एज फूड एडिटिव्स एंड द प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। देन इंसुलिन। इंसुलिन इज ए पॉलीमर फॉर ऑफ ग्लूकोज। इट अकर्स इन डालिया बल्ब गार्लिक ओनियन।
इट इज ए लो मॉलिक्यूल वेट दैट इज 5000 पॉलीसैकेराइड इजीली सॉल्युबल इन वाटर. देन स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन ऑल्सो कॉल्ड फ्रुक्टेन आर पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्रुक्टोज यूनिट दैट टिपिकली हैव ए टर्मिनल ग्लूकोज. ओलिगो फ्रुक्टोज हैज द सेम स्ट्रक्चर एज इंसुलिन बट द चेन कंसिस्ट ऑफ 10 और फ्यूअर फ्रुक्टोज यूनिट. ओलिगो फ्रुक्टोज हैज अप्रोक्सीमेटली 30-50% ऑफ द स्वीटनेस ऑफ सुगर. देन यूजेस ऑफ इंसुलिन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. यू कैन सी इन योर स्क्रीन. देन यूजेस ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन इज लेस सोल्यूबल देन ओलिगो फ्रुक्टोज एंड हैज ए स्मूथ क्रीमी टेक्स्चर दैट प्रोवाइड ए फैट लाइक माउथ फील. इंसुलिन एंड ओलिगो फ्रुक्टोज आर नॉन डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन इंटेस्टाइनल एंजाइम बट दे आर टोटली फर्मेंटेड बाय कॉलोनिक माइक्रोफ्लोरा. देन ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च. इट इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन लिवर फॉलोड बाय मसल्स ब्रेन एक्सेट्रा. ग्लाइकोजन इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट दैट डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल. देन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन. द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एमाइलोपेप्टिन विथ मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस. ग्लूकोज इन द रिपीटिंग यूनिट इन द ग्लाइकोजन जॉइंट टुगेदर बाय द 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एट ब्रांचिंग पॉइंट्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन. यू कैन सी इन योर स्क्रीन. देन व्हाट इज द यूजेस ऑफ ग्लाइकोजन. इट इज बेसिकली यूज इन लाइक फूड रिजर्व्स इन एनिमल. दैट इज इट एक्ट एज स्टोरेज फूड रिजर्व इन एनिमल्स एंड हेल्प्स इन ग्लाइकोलिसिस प्रोवाइड एनर्जी व्हेन नीडेड. देन सेलुलोज. सेलुलोज वाइडली अकर्स इन वेजिटेबल बिकॉज इट फॉर्म्स फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल एंड वेजिटेबल टिश्यू. देन सोर्स ऑफ सेलुलोज. कॉटन वुड पेपर जूट फ्लैक्स हेम्प ऑल ऑफ देम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल मैटर व्हिच इज लेफ्ट एज रेसिड्यू व्हेन दे आर बर्न. द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलोज. प्योर सेलुलोज इज ऑब्टेन बाय सक्सेसिवली ट्रीटिंग कॉटन वूल फ्लैक्स पेपर विथ डाइल्यूटेड अल्कली डाइल्यूटेड HCl और HA. दिस ट्रीटमेंट रिमूव मिनरल मैटर वाटर एंड अल्कोहल और इथर. देन स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज इज कंपोस्ट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज यील्ड सेलुलोज फॉलोड बाय बीटा डी ग्लूकोज. देन काइटिन. कंपोस्ट ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोएमाइन यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट. तो दिस इज ऑल अबाउट होमो पॉलीसैकेराइड्स. देन नेक्स्ट वी गो थ्रू द हेटरो पॉलीसैकेराइड. तो व्हाट इज द हेटरो पॉलीसैकेराइड. व्हेन द पॉलीसैकेराइड्स आर कंपोस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सुगर रेफर्स टू एज हेटरो पॉलीसैकेराइड और हेटरोग्लाइकेन. तो म्यूको पॉलीसैकेराइड. दे आर हेटरोग्लाइकेन मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ सुगर डेरिवेटिव्स नेमली एमिनो यूरोनिक एसिड. दे आर कॉमनली नोन एज ग्लूकोएमाइन ग्लूकेन जोटा GAG. प्रोटियोग्लाइकेन. सम ऑफ द म्यूको पॉलीसैकेराइड्स फाउंड इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन टू फॉर्म म्यूको प्रोटीन और म्यूको ग्लाइकेन. देन हाइलुरोनिक एसिड. इम्पोर्टेंट GAG फाउंड इन द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ
साइनोवायरल फ्लूइड ऑफ जॉइंट एंड विट्रियस ह्यूमर ऑफ आइज प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू एंड फॉर्म ए जेल अराउंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइलुरोनिक एसिड कंपोस्ट ऑफ अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ डी ग्लुकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाई दीज टू मॉलिक्यूल्स फॉर्म डिसैकेराइड यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय बीटा 1-3 ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड देन कॉन्ड्रेटिन सल्फेट कॉन्ड्रेटिन 4-सल्फेट इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस मामालियन टिश्यूज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ड्रेटिन सल्फेट कॉन्ड्रेटिन 4-सल्फेट कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट डाइसैकेराइड यूनिट कंपोस्ट ऑफ डी ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन देन हेपारिन ए एंटीकोआगुलेंट दैट ऑकर्स इन ब्लड लंग लिवर स्प्लीन एक्सेट्रा हेपारिन हेल्प इन द रिलीज ऑफ एंजाइम लिपोप्रोटीन लिपेज व्हिच हेल्प्स इन क्लियरिंग द टर्बिडिटी ऑफ लिपेमिक प्लाज्मा डर्मानेटिन सल्फेट कंपाउंड मोस्टली ऑकर्स इन द स्किन इज स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू कॉन्ड्रेटिन 4-सल्फेट देन स्ट्रक्चर ऑफ डर्मानेटिन सल्फेट यू कैन सी इन योर स्किन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डर्मानेटिन सल्फेट देन लेट्स सी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड दीज एक्ट एज ए मेटाबॉलिक रिजर्व इन प्लांट एंड एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन दे ऑल्सो सर्व एज मेकानिकल स्ट्रक्चर इन प्लांट एंड एनिमल वुड कॉटन पेपर आर मेड ऑफ सेलुलोज व्हिच आर यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ सेलुलोज नाइट्रेट आर यूज एज explosives, liquors, photographs. Film are used for packing materials. Xylen is also utilized in a cultivation of mushroom. Thus, polysaccharide is form of monosaccharide unit and is the great biological importance to us. Normally, heparin act as a an anticoagulant for the prevention of blood in the polysaccharide. Thus, they are the source of energy and help to carry out certain metabolism. It is also used as solidifying agent in dessert. It is also used as a sizing materials in textile. So, this is all about पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर एंड द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट ऑफ पॉलीसैकेराइड तो आज पई तो क्लास इतकी अच्छे आशा कर तो मैंने बुझी पा तो नोट एकदम सिंपल अच्छे तो मैंने नोट करके लिखी पारिकिना बुझी पार तो नेक्स्ट क्लास में अधिक पढ़ा से थैंक यू।